नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और आप देख रहे हैं डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन, या कि हमारे कंधे का, शोल्डर जॉइंट का बार बार खिसकना। दोस्तों, हमारे जो शोल्डर जॉइंट होता है, हमारा बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट मूवमेंट वाला जॉइंट होता है। जितनी मूवमेंट शोल्डर जॉइंट पॉसिबल कर सकता है, उतना और कोई जॉइंट नहीं कर पाता। बट इसकी वजह से ये बहुत ही अनस्टेबल जॉइंट भी होता है, क्योंकि इसका जो कप होता है वो सबसे शैलो होता है हमारे बाकी जॉइंट से। हमारे हिप को बाहर निकलने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, पर शोल्डर को बाहर निकलने के लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती है। जो शोल्डर जॉइंट है, उसके दो तरह के स्टेबलाइजर होते हैं जो उसे अपनी जगह में पकड़ के रखते हैं। एक होते हैं स्टैटिक और होते हैं डायनामिक। स्टैटिक स्टेबलाइजर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है शोल्डर का कैप्सूल, जिसे हम मेडिकल टर्म में लेब्रम भी बोलते हैं। लेब्रम को आप इस तरह समझ सकते हैं कि वो शोल्डर जॉइंट का एक पर्दा होता है, जो शोल्डर को अच्छे से अपनी जगह में पकड़ के रखता है। और उसके साथ में बाहर की तरफ बहुत सारे मसल होते हैं, जिन्हें हम डायनामिक स्टेबलाइजर्स बोलते हैं, जो शोल्डर को अंदर जकड़ के रखते हैं। दोस्तों, हमारे पास क्लिनिक में बहुत लोग आते हैं जिन्हें चोट लगने की वजह से शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है। बाइक से गिरना, कहीं कार एक्सीडेंट हो जाना, जोर से फिसल जाना, हाथ पे गिरना, इन सब में बहुत कॉमनली कंधा बाहर निकल जाता है। दोस्तों, जिसका कंधा सिर्फ एक ही बार निकला है, उसको हम कुछ दिन के लिए रेस्ट देते हैं और थोड़े दिन बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, उतने में ही उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कंधा बार बार निकलता है। कुछ पेशेंट तो ऐसे भी होते हैं जिनका कंधा वो खुद से अपने आप बैठा देते हैं, आपको उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं, उन्हें पता है ये कैसे बैठ जाएगा। पर दोस्तों, अगर किसी का कंधा बार बार निकल रहा है, तो उसे खुद बैठा बैठा के ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो चल रहा हूँ, मुझे क्यों कुछ कराना है, क्योंकि ये अभी आप खुद बैठा पा रहे हो। कुछ दिनों में वो इतनी जोर से लॉस हो जाएगा वहाँ से कंधे की हड्डी का, कि आप कभी कंधा चला नहीं पाओगे। दोस्तों, जब कंधा निकलता है बाहर, तो वो अपने साथ एक हड्डी का टुकड़ा या तो पर्दे को फाड़ के आगे लेके आता है। तो जब हम MRI कराते हैं शोल्डर डिसलोकेशन के बाद, उसके अंदर दो तरह के टेयर हम ज़्यादातर देखते हैं। जो पहला टेयर है, जिसके अंदर हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा लेके आता है, उसे कहते हैं बोनी बैंकट। और जो खाली पर्दा फटता है, जो लेब्रम फटता है, उसे कहते हैं बैंकट लीशन। मोस्टली हम देखते हैं कि एंटीरियर ही शोल्डर निकलता है, कि कंधा ज़्यादातर बाहर की तरफ ही निकलता है या आगे की तरफ ही निकलता है। जब आपको रेकरेंट डिसलोकेशन हो रहा है और आपकी MRI के अंदर बैंकट टेयर या तो फिर बोनी बैंकट टेयर लिखा है, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके जी लूँगा या निकलेगा तो मैं डॉक्टर पास जाके बैठवा लूँगा, क्योंकि वो आप एक टेम्पररी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। क्यों ये परमानेंट ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है और क्यों हम टेम्पररी ट्रीटमेंट बार बार नहीं कराएंगे, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। दोस्तों, जिसका दो या तीन बार कंधा निकला है, तो उसे हम कहते हैं एक छोटा सा ऑपरेशन कराने के लिए, जिसके अंदर मात्र दो स्टिच लगते हैं, जिसे कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक, या कि दूरबीन से बैंकट का रिपेयर कराना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो बैंकट टेयर होता है, उसे, जो पर्दा फट गया है, उसे वापस से शोल्डर की हड्डी के साथ चिपका देते हैं, तीन या चार स्क्रू डाल के। ये चारों के चारों स्क्रू जो हमने डाले, ये बायो अब्जॉर्बेबल होते हैं, तो बॉडी के अंदर 2-3 साल के अंदर मेल्ट हो जाते हैं। जब एक बार वो पर्दा वापस चिपक गया, तो उसके बाद उसका शोल्डर का बाहर निकलने का कोई गुंजाइश नहीं होता है। अगर सब कुछ ठीक है, तो 2 से 3 महीने के बाद प्लेयर जो है अपने स्पोर्ट में वापस जा सकता है। फास्ट बॉलर 5 से 6 महीने के बाद फास्ट बॉलिंग कर सकता है और अपनी लाइफ के अंदर नॉर्मली जा सकता है। बट बहुत बार पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो कई सालों से जानते हुए भी अपने कंधे को इग्नोर करके बैठे हुए थे, और हमारे पास ऐसी स्टेज में आते हैं जहाँ पे हम छोटी सर्जरी करके उन्हें हेल्प नहीं कर पाते। उस कंडीशन में क्या होता है कि शोल्डर की 20% से ज़्यादा हड्डी घिस गई है। इन पेशेंट्स में हम जो लीजन देखते हैं, उसे बोलते हैं हिल सैक्स लीजन, और उनका जो ग्लेनॉइड, यानी कि जो शोल्डर जॉइंट की हड्डी है, उसका 20% ज़्यादा लॉस हो चुका है। इन पेशेंट्स में अगर हम एक सिंपल छोटी सर्जरी, जैसे मैंने पहले बताई, कर दें, तो फिर भी बिकॉज बहुत बोन का लॉस हो गया है, वो शोल्डर फिर से निकलने का बाहर चांस रहता है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमें थोड़ा सा बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसे कि लेटार्जेट प्रोसीजर कहते हैं।
दोस्तों लेटार्जेट प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं, शोल्डर के अंदर से एक हड्डी होती है उसे कहते हैं कोराकॉइड, उसे काट के आपका जहाँ बोन लॉस हुआ है वहाँ उसे चिपकाते हैं और दो स्क्रू जो कि टाइटेनियम से बने होते हैं उन्हें उससे पकड़ के रखते हैं। टाइटेनियम स्क्रू के बावजूद और अच्छे स्क्रू लगाने के बाद भी इसका जो रिकवरी प्रोसेस होता है वो हमारी सिंपल आसान वाली बैंक कार्ड रिपेयर से थोड़ा लंबा होता है। जब किसी का लेटार्जेट प्रोसीजर होता है तो उसके बाद उसका रिहैबिलिटेशन और फिजियो हमेशा बैंक कार्ड से ज़्यादा होता है। ठीक ये भी हो जाता है, बट नाउ वी आर डूइंग अ बिगर सर्जरी रादर देन अ स्मॉलर सर्जरी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको बार 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 शोल्डर डिसलोकेशन हो रहा है तो चांस पे मत छोड़िए, ऐसा मत सोचिए बाद में देखूंगा बाद में देखूंगी, क्योंकि ये बढ़ेगा ये कमेगा नहीं। और अभी जो लीजन आपकी है ऑन ट्रैक ऑफ ट्रैक लीजन जो है वो कल जाके ऐसी लीजन ना बन जाए कि आपका शोल्डर एक बार जाके फंस ही जाए और उसे बिना इमीडिएट सर्जरी के हम उसे बैठा ना पाए। दोस्तों हमारा ये जो हेल्थ अवेयरनेस चैनल है ये हमने आप ही के लिए बनाया है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं हम आपको सॉल्व करने में मदद कर सकें। अगर आपको शोल्डर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे जो नंबर है उसमें आप हमें व्हाट्सएप अपनी कर सकते हैं MRI रिपोर्ट्स बाकी रिपोर्ट्स और हम आपको तुरंत रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। नमस्कार।